हेलो एवरीवन, वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. सो इन हाइड्रोकार्बन एज यू नो इट इज़ डिवाइडेड इनटू सैचुरेट एंड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन में हम क्या स्टडी करते हैं? एल्केन्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स. एंड इन अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन वी स्टडी अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. राइट. सो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन्स स्टडी करते हैं. सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन. ठीक है. सो क्या होती है वुड्स रिएक्शन? इसमें हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड. सो इसमें वी ट्रीट क्या करते हैं, इसमें वी ट्रीट एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल. ठीक है. सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है. जैसे कि रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3 और हैलाइड में हमने लिया Cl. हमने सोडियम मेटल लिया एंड CH3Cl अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सो इसमें क्या निकल जाता है? 2NaCl लाइक दिस एंड वी गेट एल्केन्स CH3CH3 प्लस 2NaCl. ठीक है. तो इस रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? नंबर वन पॉइंट ये है कि वी कैन प्रिपेयर एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गुड यील्ड. ठीक है. सो एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड. है ना. कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड. पहला पॉइंट तो यही है. एंड ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है इस रिएक्शन में कि सोडियम मेटल ही लेना है इसमें और सॉल्वेंट क्या रखना है? ड्राई ईथर. तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट क्यों लेते हैं इसके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ड्राई ईथर जो होता है, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है ड्राई ईथर का? ROR एंड दिस इज पोलर. जैसे मैं ड्राई ईथर लिख रहा हूँ, एक डाई इथाइल ईथर. ठीक है. डाई इथाइल ईथर, इसका नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर. जैसे पोलर, इसे बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. ये वर्ड क्या होता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं. प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, एच प्लस से होता है. तो जिस सॉल्वेंट में हाइड्रोजन डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा होता है उसे बोलते हैं पोलर अप्रोटिक. एंड दीज सॉल्वेंट हेल्प, ये क्या करते हैं? हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो पहले, ये फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं. पहली बात तो अगर हम एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं,
एक्वस सॉल्वेंट अगर लेते हैं, इफ़ एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं देन क्या होगा, एक्वस सॉल्वेंट इज प्रेजेंट देन व्हाट विल हैपन, सोडियम किस रिएक्ट कर जाएगा, एक्वस रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा NaOH। और हम ये नहीं चाहते हैं बिकॉज वी वॉन्ट कि सोडियम जो है वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करे, ठीक है। अब ये सोडियम है, अगर एक्वस सॉल्वेंट होगा तो ये सोडियम तो वाटर से रिएक्ट करेगा तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करेगा। इस वजह से ड्राई ईथर क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। चलो अब थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म समझने के लिए जो सोडियम है वो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम आयन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इट रिएक्ट विद CH3Cl और CH3Cl का फीजन होगा। तो फीजन जब हुआ तो इसका हेटरोटी फीजन हुआ इस तरीके से, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों Cl की तरफ चले गए और CH3 पे क्या आ गया प्लस और Cl पे क्या आ गया माइनस, तो Cl माइनस। और जो CH3 पे प्लस आया है उस प्लस इस इलेक्ट्रॉन से जाके CH3 पे उस प्लस को न्यूट्रल कर देगा तो क्या बचा CH3। अब जरा ध्यान देना, जो CH3 प्लस बनेगा CH3 प्लस इस तरीके से, तो इस पे कार्बोकैटायन है एक तरीके से, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर टोटल CH3 में कितने न्यूट्रॉन्स जाएंगे, 7। कैसे, देखो 4 होते हैं आउटरमोस्ट में, 5, 6, 7 और एक गया प्लस का, 7, 6 बचे, तो कार्बोकैटायन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स आया टोटल कितने हो गए, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो सकते हैं क्या, नहीं, 3 बॉन्ड हैं तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड और एक बच गया इसके पास, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया आपका, फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल बने हैं, ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, देखो ध्यान से, जो CH3 फ्री रेडिकल बना है ये दूसरे CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ करके बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन गया आपका एल्केन, ठीक है। तो एक बार मैं रिकैप करता हूँ कि हमारे पास एल्काइल क्लोराइड है या एल्काइल ब्रोमाइड है और ये सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कैसे रिएक्ट करता है। पहले ये बॉन्ड का फीजन होता है, टूटता है बॉन्ड और आर रेडिकल बनता है। अब इस तरह के कितने आर रेडिकल बनेंगे, बहुत सारे आर रेडिकल बनेंगे, तो दूसरे आर रेडिकल से कंबाइन करके ये बना लेगा आर सिंगल बॉन्ड आर, वी गेट एल्केन्स हैविंग इवन कार्बन एटम्स, ठीक है। दैट्स वाई अब क्वेश्चन है कि अगर इफ़ वी ट्राई टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, सपोज हमें प्रोपेन को प्रिपेयर करना है, सपोज वी वॉन्ट टू प्रिपेयर प्रोपेन, सो इसके लिए हमें एल्काइल का क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, CH3Cl लेना चाहिए और सोडियम मेटल, एंड दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि इसको बीच में तोड़ दो, तो एक तरफ CH3 एक तरफ CH3CH2Cl CH3CH2Cl, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए ड्राई ईथर, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर प्रोपेन बाई वुड्स रिएक्शन, देन व्हाट विल हैपन कि अब इसके मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म से क्या होगा कि एक ये एल्काइल है एक ये एल्काइल है, तो वी विल गेट दिस फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3CH2 फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल बने हैं कितने सारे बने हैं, बहुत सारे, तो ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा तो बनेगा CH3CH3, CH3CH2 फ्री रेडिकल दूसरे CH3CH2 फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा तो बनेगा CH3CH2CH2CH3 और CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3CH2 फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा तो यू विल गेट प्रोपेन, करेक्ट। तो इफ वी ट्राई टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड सो अलोंग विद प्रोपेन वी गेट इथेन एंड ब्यूटेन ऑल्सो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ़ वी ट्राई टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन वी गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट आउट, इसलिए हमको मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल जाएगा जो को डिफ़िकल्ट है सेपरेट करना। वाई डिफ़िकल्ट, बिकॉज दीज एल्केन्स हैव वेरी सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। ओके सो अब देखो एक क्वेश्चन और है कि इस रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि एटलीस्ट दो कार्बन का एल्केन तो बनेगा ही क्योंकि ये एल्काइल का कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक ही टाइप का एल्काइल लेते हो, दोनों तरफ इधर भी आर है इधर भी आर है, तो उनके हर टाइप के कॉम्बिनेशन से यू वी गेट ओनली वन टाइप ऑफ एल्केन। ठीक है ओके तो इसमें आप कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको ये एल्केन बनाना है, क्वेश्चन CH3, CH2, 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 CH3 इस टाइप के एल्केन को बनाना है बाय वुड्स रिएक्शन। तो क्या करो, इसको सिमेट्रिकल तरीके से ब्रेक कर दो। तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो क्या एल्काइल हैलाइड लेने हमको CH3CH2Cl, ठीक है, और दूसरा क्या लेना है प्लस Na एंड प्लस CL CH2 CH2 CH3। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि क्या एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर एल्केन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ड्राई ईथर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको इस टाइप के कंपाउंड को प्रिपेयर करना है बाय वुड्स रिएक्शन, यू वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस बाय वुड्स रिएक्शन, तो सिमेट्रिकल तरीके से आप ब्रेक कर दीजिए तो यू विल गेट या तो बी आर लगा दीजिए या सी एल लगा दीजिए, सी एल प्लस सी एल ये है, सॉरी यहाँ पे सी एच टू भी आएगा, सी एच टू दिस, ठीक है, और सोडियम, तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्लियर है। बट आपसे मैं कहूँ कि हमें ये एल्केन चाहिए फ्रॉम दिस रिएक्शन, वी आई वॉन्ट दिस एल्केन टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस रिएक्शन, तो अगेन दिस एल्केन कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट अगेन दिस एल्केन विल नॉट फॉर्म इन गुड ईल्ड बिकॉज इससे जो हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए वो हमें सिमेट्रिकल नहीं मिलेंगे, मैं दोनों बराबर कार्बन के एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेंगे। या तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो वी विल गेट दिस एल्काइल हैलाइड CH3CH CH3Cl और प्लस और क्या है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर, ठीक है। और अगेन अगर दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड होंगे तो वी गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, तो हम इसको जब प्रिपेयर करना चाहेंगे तो अलोंग विद दिस वी गेट टू मोर प्रोडक्ट्स, विच वन, देखो इससे फ्री रेडिकल क्या बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, इसमें यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, तो वी विल गेट टू मोर प्रोडक्ट CH3CH CH3 एंड CH CH3 CH3, एक तो ये बन जाएगा और इसके कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, सो व्हाट इज द रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, तो इसको क्या सिमेट्रिकली ब्रेक किया जा सकता है, यस यू कैन ब्रेक इट, सो आपको इतना एल्काइल हैलाइड चाहिए, सो वी वांट दिस एल्काइल हैलाइड CH3CH CL एंड CH3, ओके, सो इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके यू विल गेट सेम प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर, ठीक है। अब एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें, जैसे मैं इस कंपाउंड में वुड्स रिएक्शन करा दूं, यहाँ पे Cl है और यहाँ पर Cl है इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर, तो अब देखो मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप सोचिए, ठीक है, तो कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, बनाने के लिए व्हाट कैन यू डू, आप जहाँ पे आपको पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल बनते हैं, तो मेक ए फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल आएगा और ये आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, बिकॉज रिंग फॉर्मेशन एक डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक है। इट इज़ अ बाई साइक्लो कंपाउंड, इसका IUPAC नेम क्या होगा, बाई साइक्लो, इस तरह स्क्वायर ब्रेकर लगाते हैं, इसे ब्रिज कार्बन बोलते हैं, इस ब्रिज कार्बन के इधर कितने कार्बन एटम हैं, दो, इस साइड कितने हैं, दो, और बीच में कितने हैं ब्रिज के, जीरो, इस पोजीशन को नहीं काउंट करना है, तो 2 2 0, टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्सेन, ठीक है, बाई साइक्लो 2 2 0 हेक्सेन। जैसे मैं आपसे पूछूँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले,
यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, और मैं कहूँ कि इसके शंकराओ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, तो आप इसको ब्रेक करेंगे यहाँ रेडिकल, इसको ब्रेक करेंगे यहाँ रेडिकल, और यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह जब साइक्लिक कंपाउंड बनता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं एक ही कंपाउंड में, ये हमारी ओपन चेन है CH2, यहाँ पर Br ले लिया हमने और यहाँ पे Cl ले लिया और यहाँ पर Na इन ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन के लिए ध्यान रखना आपको कि सोडियम मेटल ही यूज करना है, ठीक है ना, Na इन ड्राई ईथर। सो यहाँ पर इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, और फ्री रेडिकल मिल करके ये क्या बना लेंगे आपस में, ये कार्बन मिलकर क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो यू विल गेट एल्केन, साइक्लो एल्केन हैविंग 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट वुड्स रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गुड यील्ड। हम कैसे एल्केन, उस एल्केन को प्रिपेयर करें जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो इन गुड यील्ड। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोरे हाउस रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड, आर का मतलब एल्काइल है, एक्स हैलोजन है, जल्दी यहाँ पे Cl और Br होते हैं। तो आर एक्स की रिएक्शन किससे कराएंगे, लिथियम से। तो देखो यहाँ पे मैंने दो लिथियम ले लिए, तो एक बन जाएगा आर एल आई और बन गया एल आई एक्स। एक बात और याद रखना, इसे आर एल आई है, कभी आर एन ए आ जाए या कभी ऐसे आ जाए आर एम जी बी आर। तो जब कभी कार्बन, इसे यहाँ पे आर एल्काइल है, कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये सब चीज़ें वापस से होंगी, अभी जिसे वर्ड आता है तो बताना पड़ता है। जैसे था ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन विच कार्बन इज डायरेक्टली लिंक टू मेटल। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स। और जब कार्बन डायरेक्टली मेटल जुड़ा होता है तो ये बॉन्ड हाईली पोलर होता है। क्या होता है, हाईली पोलर, और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आर एक्स टू एल आई, तो एक एल आई एक्स बन गया, एक एल आई यहाँ पे आ गया लिथियम, इसका नाम है ऑर्गेनोलिथियम, कार्बन लिथियम ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं सी यू बी आर से या सी यू एक्स ले लो। तो इसमें क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल बना लेंगे आर आर सी यू एल आई, ठीक है, एंड प्लस प्लस क्या बन जाएगा, तो एक एल आई चला गया, अभी एक लिथियम यहाँ पे बचा है, तो बी आर से क्या बना लेगा, एल आई बी आर। दिस इज अगेन ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड बिकॉज कार्बन डायरेक्टली इनटू कॉपर। इस कंपाउंड का एक नाम होता है जिसे बोलते हैं गिलमन रेजेंट, गिलमन रेजेंट। अब क्या करते हैं, जो हमारा ये आर आर सी यू एल आई बना हुआ है, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड रिएक्शन किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से करा दो, जैसे मान लो हमने करा दिया CH3Cl से या CH3Br से। ठीक है, तो जब आप इससे कराएंगे तो इन दोनों एल्काइल में ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे लोगे वही दो यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब ये वाला, तो एक R जा करके इस CH से जुड़ जाएगा, बन जाएगा RCH3 प्लस क्या बन गया आपका, जो भी बच जाए कंपाउंड RCU प्लस LiCl एक्सेट्रा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपका ये मेन कंपाउंड है। तो इस रिएक्शन से यू कैन प्रिपेयर एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं अगर यहाँ पे C2H5 ले लेता, C2H5, तो यहाँ पे C2H5, फिर C2H5 का होल टॉइस होता और यहाँ पे C2H5, तो C2H5 CH3 बन जाता, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 Cl, ठीक है, Cl, और इसके समय कराई
दो लिथियम से इम्पीडेंस ऑफ सी यू बी आर, तो पूरा लिख दिया मैंने देखो, तो क्या होगा, पहले बनेगा सी एच थ्री सी टू एल आई प्लस एल आई सी एल, और फिर ये इसे वापस सी यू बी आर सेट करेगा, मैंने दोनों एक साथ ले लिए हैं, तो बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू का होल ट्वाइस सी यू एल आई प्लस एल आई बी आर, ठीक है। और इसके बाद जो ये कंपाउंड बना है इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए सी एच थ्री सी एल से या सी एच थ्री बी आर से, तो इसका इन दोनों में से एक एल्काइल जाके इसमें जुड़ जाएगा और बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, यू गेट प्रोपेन, ओनली प्रोपेन इन गुड ईल्ड, ठीक है, बहुत अच्छी ईल्ड से आपको क्या मिल गया यहाँ पर, प्रोपेन मिल गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है इन हाइड्रोकार्बन्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, दैट इज कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, इम्पॉर्टेंट फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइन्स ऑल्सो। तो इसमें होता क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस एल्केन्स, एल्कीन भी हो सकता है, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन भी बनते हैं मेथड से, एल्केन्स एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जैसे कि हमने लिया सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, दिस इज सोडियम एसिटेट, इसकी हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इस इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है उसमें सीखेंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना, और जिससे जो आयंस बनते हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में डिस्चार्ज होते हैं। तो इससे जो आयंस बनेंगे वो सी एस थ्री सी ओ माइनस और एन ए प्लस बनेगा, तो ये जो आयंस डिस्चार्ज होंगे तो यहाँ पर जो एल्काइल होगा वो डबल हो जाता है यहाँ पर सी टू एस सिक्स, और प्लस एन ओ एच बनता है इसमें, एंड प्लस सी ओ टू गैस आती है और प्लस एच टू गैस आती है, एच टू गैस आपको मिलती है इसमें कैथोड में और सी टू एस सिक्स मिलता है आपको एनोड में, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसमें जो है इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे भी। एंड इस तरफ आपका दिस इज़ योर एनोड एंड दिस इज़ योर कैथोड, और यहाँ पे आपका सॉल्ट हो जाएगा, अगर एक्वस ले रहे हो तो वाटर, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ एन ए सॉल्ट, सी एच थ्री सी ओ माइनस और एन ए प्लस के फॉर्म में आपका सॉल्ट रहेगा, ठीक है। एंड इसको हम बैटरी से इसे हमने कनेक्ट कर दिया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें जो एनोड होता है एनोड पॉजिटिव साइन का होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव साइन का होता है, ठीक है। तो जो एन ए प्लस है दिस मूव टूवर्ड्स एनोड सॉरी कैथोड, और जो सी एच थ्री सी ओ माइनस है मूव टूवर्ड्स एनोड, ठीक है, और साथ में वाटर भी है तो वाटर का भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो सकता है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है, अब दो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो रिएक्शन कैसी होती है ओवरऑल, तो आपको क्वेश्चन दिखाना कि एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही है। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा कि एनोड पॉजिटिव होता है और एनोड पे हमेशा होता है क्या है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे आपका जाएगा सी एस थ्री सी ओ माइनस, इस सॉल्ट का सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस, और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे टोटल दो इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन से खुद का और एक दूसरे से आएगा, क्योंकि हेट्रोलिटिक फ्यूजन से बनता है ना बॉन्ड, ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन से बनता है बॉन्ड। तो अब देखो अगर मैं ए बी बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है शेयर इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले जाते हैं,
तो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पे माइनस क्यों आया था? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो खुद शेयर था वो आ गया और दूसरे इलेक्ट्रॉन बी का भी आ गया, इसलिए निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, एक एक का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक बी का इलेक्ट्रॉन्स। जब भी निगेटिव चार्ज होता है वहाँ दो इलेक्ट्रॉन वहाँ चलते हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया, तो क्या बचा? CH3CO, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल, और प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। नाउ दिस फ्री रेडिकल की मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक, देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O रेडिकल है। तो इससे CO2 गैस रिमूव हो जाती है, और कैसे रिमूव होता है देखो ध्यान से, हमने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, इसका हो रहा है ये होमोलिटिक फ्यूजन। तो होमोलिटिक फ्यूजन क्या होगा? एक रेडिकल यहाँ पे आया, एक रेडिकल यहाँ पे आया, ठीक है। इस कार्बन पे रेडिकल, इस कार्बन पे रेडिकल, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? डबल बॉन्ड, और बच गया आपके पास CH3 रेडिकल प्लस CO2 गैस। तो CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फर्दर डिकम्पोजिशन से यू विल गेट CH3 रेडिकल एंड प्लस CO2 गैस। अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं इसके दो मॉलिक्यूल लेता हूँ तो ये दो बनेंगे, इलेक्ट्रॉन भी दो आएंगे, ये दो रेडिकल, दो CO2, और ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे? CH3 रेडिकल क्या बना लेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या मिल गया आपको? ईथेन। यानी कि जो भी एल्काइल यहाँ पे लेंगे उसका डबल कार्बन का एल्केन बन जाएगा, और इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बनता है। कितना क्लियर है? अब आते हैं एट कैथोड। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे होगा रिडक्शन, और कैथोड पे वाटर और सोडियम में कंपटीशन होता है रिडक्शन होने के लिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि जो RP है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन Na+, इसलिए बेसिकली कैथोड पर वाटर रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस वाटर विल टेक दैट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर लॉस हुआ है, एंड प्लस नेगेटिव। तो कौन सा पार्ट लेगा इलेक्ट्रॉन को? हाइड्रोजन H+। तो H+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बचा? H, और साथ में क्या रह गया? OH-। तो इस H को मैं लिख देता हूँ H2 गैस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने इतना पार्ट को लिखा OH-, ठीक है। जैसे H+, तो H+ इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो ये बन गया H, जिसको मैंने H2 लिख दिया, और OH-। अब ये OH- और Na+ मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH, ठीक है ना। सो इट विल रिएक्ट विद Na+ टू फॉर्म NaOH। तो क्या सारे प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो गए बिल्कुल अच्छे तरीके से? यस। सो वी गेट NaOH, वी गेट CO2, एंड वी गेट H2 एंड C2H6। ओके, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, क्लियर है। तो इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि मैं इस बार ये ले रहा हूँ कंपाउंड CH3CH2CONa, और इसकी कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस से आपको पता है कि ये इतना पोर्शन आपका डबल हो जाएगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड CH3CH2CH2CH3, राइट, प्लस CO2 गैस एंड प्लस NaOH, ऑल दिस, क्लियर है। अब अगर मान लो मैं इस कंपाउंड ले लूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COO Na COO Na, और इलेक्ट्रोलिसिस वापस से इस कंपाउंड ले लेता हूँ। ये कंपाउंड सक्सीनिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसका नाम है सोडियम सक्सीनेट। सो इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है कि क्या मिलेगा? आयंस। तो मैं केवल एनोड पे इंटरेस्टेड हूँ, एट एनोड। सो आपको पता है इसमें कि जहाँ पे CO जुड़ा होता है वहाँ पे रेडिकल बन जाते हैं, तो बनेगा CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल। अब ये CH2 रेडिकल आपस में रेडिकल क्या बना देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट, ये बना देगा। और ये मॉलिक्यूल आप, ये हो सकता है कि CH2, अब देखो ये कितने बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे। तो ये आपको हो सकता है कि एक ये कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से इस तरह रिएक्ट कर जाए, दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर जाए, और यू विल गेट दिस कंपाउंड ऑल्सो। तो ये साइड प्रोडक्ट, इसका मेन प्रोडक्ट आपका यही है, ठीक है। अगर आपको एल्काइन बनाना है तो इस कंपाउंड को ले लो CH डबल बॉन्ड CH COONa
NCOONA। अगर इस कंपाउंड की कराओगे इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पे रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड। तो वी कैन प्रिपेयर ऑल एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस बाय दिस मेथड, एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर एल्केन्स। ठीक है, इस तरीके से ये ओवरऑल आपकी रिएक्शन होती है। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो देखो हमें पता है कि जहाँ पर ये COK होता है वहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या बनेगा फ्री रेडिकल, इस तरीके से एक बार मैकेनिज्म होने के बाद सारी रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाती हैं। देखो एक फ्री रेडिकल तो यहाँ बनेगा इस बॉन्ड को टूटने के बाद, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया, इसके बाद दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, करेक्ट, ये बॉन्ड टूटने के बाद, क्योंकि जहाँ पे CO होता है उसके एडजेसेंट कार्बन में फ्री रेडिकल बनता है। अब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH2, राइट, दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें देखो एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे बनेगा और इसमें फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो टोटल दो फ्री रेडिकल हैं। अब ये फ्री रेडिकल इससे मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी आपकी इस तरीके से, साइक्लोहेक्सेन। इसमें आ जाओ तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। सो मैं इसको पहले से लिख देता हूँ, सो टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। इस तरह से प्रोडक्ट आप बना सकते हो। सो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें भी गलत नहीं करना है आपको। नौ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोर्थ, जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन से भी हम एल्केन बनाते हैं। सो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं लिख रहा हूँ RCOONA, जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हो सकता है। इसके शंकराते हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है, एक मिक्सचर का नाम होता है सोडा लाइम, क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम, ठीक है, इस मिक्सचर का नाम होता है सोडा लाइम। तो जब कार्बोक्सिलिक इससे रिएक्ट कराते हैं, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम, देन वी गेट एल्केन हैविंग वन लेस कार्बन एटम, यानी कि इसमें कितने कार्बन हैं, R प्लस C कार्बन है, तो एक कार्बन कम कर दो तो क्या बचा, R, और एल्केन बन जाएगा RH, ठीक है, प्लस क्या बनता है Na2CO3। ये पूरा मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ RCOONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, सो यू विल गेट Na2CO3। इसका नाम क्या होता है Na2CO3 का, वॉशिंग सोडा, तो ये बन गया Na2CO3, सॉरी ये अंदर जाएगा ये वाला ऑक्सीजन, Na2CO3 बन गया, और जो H बचा है वो R से जुड़ गया, तो RH प्लस Na2CO3, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ CaO, तो CaO अगेन हाइग्रोस्कोपिक होता है, अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो NaOH पानी में डिसोसिएट कर जाएगा। नाउ इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इसकी प्रपोज मैकेनिज्म दो हैं, जो सिंपल है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे Na प्लस है, तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है, तो CO2 गैस कैसे निकलेगी, जब यहाँ पे प्लस चार्ज आए तो प्लस नेगेटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को मैंने इधर तोड़ दिया तो बन गया ये R- प्लस CO2 गैस, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ R-, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ R- विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज बेटर टर्म, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और आपको पता है इसे क्या बोलते हो आप लोग, कार्बेनायन, ये कार्बेनायन है, और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, यू मस्ट नो दैट कि कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कैसी होती है, कि जितना छोटा कार्बेनायन होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को कम करता है, ठीक है।
इस तरह यहाँ पे फिर 3 डिग्री कार्बन आयन आ जाएगा। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो बस जितना स्टेबल ये बनेगा उतना कार्बोक्सिलेशन रेट फास्ट होगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CH3COOH, CH3CH2COH एंड CH3CH2CH2COH, इसमें किसका डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा? तो देखो ध्यान से, इसको आप सॉल्ट समझ लीजिए तो CONA हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कार्बन क्या बनेगा, CH3-, इसका कार्बन क्या बनेगा इतना पोर्शन CH3CH2-, इसका कार्बन क्या बनेगा CH3CH2CH2-। तो सबसे स्टेबल कार्बोनेट क्या है, ये है, तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ये है, यानी कि ये सबसे फास्ट CO2 लूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं इसका डिकार्बोक्सिलेशन करूं, इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, अगर मैं इसका डिकार्बोक्सिलेशन करूं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CO, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो क्या निकलता है इसमें Na2CO3, यानी कि ये N2 शुद्ध निकल गया, एक कम कार्बन का एल्केन बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा बेंजीन, ठीक है, प्लस Na2CO3। क्लियर है एकदम बात? जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस कंपाउंड का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट क्यों होता है, यानी इस कंपाउंड के डिकार्बोक्सिलेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसका रेट जो होता है इसके कम से कम 100 टाइम्स फास्ट होता है, ठीक है, और इसका रेट इससे ज़्यादा इससे फास्ट होता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करो, इसे बोलते हैं जनरल होता है, देखो तो ये पोजीशन अल्फा होती है, ये होती बीटा, इसे क्या बोलते हैं बीटा पोजीशन, तो इसका नाम होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ बीटा, इसे बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। तो बुक्स में लैंग्वेज लिखी होती है कि बीटा कीटो एसिड डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होता है, तो क्यों होता है, तो जहाँ पर सी ओ है वहाँ पर क्या बना दे नेगेटिव चार्ज। अल्दो इसका दूसरा आंसर ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अभी मैं आप सिंपल मैकेनिज्म से आपको बता रहा हूँ, तो इसका जो कार्बन बनेगा वो ये बनेगा माइनस डबल बॉन्ड ओ, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कैसे क्या जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये कार्बन आयन जो बनेगा यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसका डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होता है। और यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका एरोमेटिक करेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए ये तो बनना नहीं चाहेगा, तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन भी उतना फास्ट नहीं होगा जिसका इसका होगा। तो दिस इज द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, यानी कि माइनस आई ग्रुप जो होंगे अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जो है वो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन विल इंक्रीज, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कुछ करना, मैं अभी सेकेंड वीडियो में भी आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ और फिर एल्कीन एल्काइन के बारे में भी कुछ बताऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।